आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और शुरू कर दिया है एक नया ब्लॉग, तो बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। चलो मैडम, चलिए। और अक्सर मेरे ब्लॉग ज़्यादातर आपको इसके साथ देखने को मिलते होंगे। और वो देखो, मुस्कुरा रही है मुझे देख के। हेलो गरु, देख रही हो? यस। नहीं दिख रही हो? दिख रही हो, दिख रही हो, दिख रही हो। अब दिखी? तुझे नहीं दिखा? हेलो करेगी तब दिखेगा। वो देखो कितनी ऊपर से हेलो कर रही है, मुस्कुरा रही है मेरी ब्लॉगिंग देख के। ठीक है, तो अक्सर आपको अनु के साथ देखने को मिलते हैं मेरे ब्लॉग। और क्योंकि ये है लड़की ऐसी जो मुझे बहुत टेंशन देती है, हमेशा टेंशन देती है, और आज तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन इसको हो रखी है। ठीक है, तो इसकी टेंशन को ही दूर करने के लिए जा रहे हैं हम। अपनी टेंशन बता दे या मैं बताऊं तेरी टेंशन? तुम बता दो, मुझे नहीं बतानी तेरी टेंशन, मैं क्यों बताऊं? ये देखो, मतलब मेरा ब्लाउज नहीं सिला है, चार को मेरी फेयरवेल है और मैं ना मैं दिखाऊंगी, मैं ब्लॉग बनाऊंगी यार। अगर फोन वैसा अलाउड है ना अंदर, तो बना लूंगी। पहली बात तो तुम्हें घर से ही ले जाने को नहीं मिलेगा, नहीं, अंदर की तो बात। फोन ले जाना है, अलाउ है? चलिए, इनको परमिशन है फोन ले जाने की। ठीक है, तो इसकी फेयरवेल है और उसके लिए मतलब जो इसकी साड़ी है वो तैयार नहीं हो पा रही है, तो उसी के लिए, क्योंकि इन्होंने एंड टाइम पे बोला है इसलिए नहीं हो पा रहा है। आंटी जी नमस्ते। अरे हाय, ठीक हो भाई? तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि इन मैडम को हमेशा सो सो के याद आती है कि हाँ भाई मेरा ये काम है, मुझे ये करना है, ये करना है। तो इसी वजह से अब देखो मैं कैसे कैसे एरिया में जाऊँगी इसका काम कराने के लिए। राम राम, कहाँ घूम रही हो? ऐसे ऐसे एरिया में जाना पड़ रहा है भाई, और देख सकते हो मेरा रोला, मेरी पहचान, जहाँ जाती हूँ वहीं मेरी क्या हो जाती है, राम राम शुरू। यही मौसी का अंदर इसको, मतलब या तो बक 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 इतनी करेगी या फिर इसमें लगी रहेगी। रख इसको अंदर यार, मैं कुछ वो देख रही थी। देखना बाद में, अभी नाली में गिर जाओगी, नाली में पड़ जाएगा मुँह तुम्हारा। चलो तो फिर ठीक है, देख सकते हो मेरा चारों तरफ का एरिया। रुक जाओ, तुम्हें घर मालूम है कहाँ है? अपने आप कहाँ घूम रही हो ये बताओ। अरे दुकान पे आई मैं। हमारी भाभी भी आ गई। राम राम बोलो भाभी। सब है राम राम जी। सब है राम राम? सब है राम राम। ये भाभी तो मेरी देखी होगी, बहुत फेमस हो रखी है मेरी वीडियो में। मैं बोल रही थी जो कपड़े सिलती है कौन से उसमें रहती है, सफेद वाले में? क्या करोगी? अरे यार इसके कपड़े सिलवाने हैं ब्लॉक। तो देखो हम ढूंढ रहे हैं टेलर और हमें कहीं टेलर नहीं मिल रहा है, और इनसे भाभी से पूछा है, भाभी ने बताया है भाभी के पड़ोस में हैं, तो ज़रा उनसे कर लेती हूँ बात। और ये एरिया आप लोगों को जाना पहचाना लग रहा होगा, ये घर भी जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि पीछे की वीडियोज़ अगर आप मेरी देखेंगे तो इन भाभी को मैं पहले कई बार दिखा चुकी हूँ। और यहाँ से बहुत कुछ पूरा बदल चुका है, पहले यहाँ पर भाभी की भैंसें बंधी रहती थी, अब भैंसें कहाँ रखते हो भाभी? अंदर हैं, अंदर बाहर का अच्छा इधर बांध देते होगे। तो ये भाभी का घेर, ये घर देख सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए जहाँ मैं बात करने आई हूँ यहाँ बात कर लेती हूँ। यही वाला घर है क्या? आ चुके हैं हम। ये छोटा गेट बजाऊं? अच्छा अम्मा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। भाभी जी नहीं है क्या? राजनपाल। अच्छा अम्मा जी स्वेटर बिनने में लगी हैं? देखो अम्मा बुढ़ापे में भी स्वेटर बिन रही हैं, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। शुरू कर रही हूं बनाना। के क्या है? नमस्ते भाभी जी, आप ब्लाउज सिल देते हैं क्या भाभी? हाँ सिल दूंगी। चलिए यहाँ हो चुकी है हमारी बात, ठीक है, जिसलिए हम आए थे। ठीक है, तो अब डिस्कशन करते हैं क्या करना है, उसके बाद देखते हैं। कर रही हैं, अपने बेटे को भेजेंगी मेरे साथ, चल देगा बेटा? और यह है छोटा रामदेव। अच्छा दूध पहुंचाने का टाइम हो गया, देखो दूध का टाइम हो गया है, और हमारा काम भी करेगा यही बच्चा, साइकिल से दूध पहुंचा के आएगा। चले जाओ, इधर से हाँ,
तुम उधर से वहाँ मिल जाइए अगर ठीक है ठीक है ठीक है। राम राम जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए, यहाँ की हमारी मुलाकात हो चुकी है पूरी, और अब भाभी ने जहाँ हमें बताया है हम जाएंगे वहाँ, और जैसा कि मेरे ब्लॉगों में घूमना घूमना घूमना, कुछ नया दिखाते रहना। तो चलिए, हैं इस लड़की को मेरे से कितनी प्रॉब्लम है भाई, कितनी प्रॉब्लम है, जरूरी है, मेरी वर्किंग यही है। देखो मेरा कैमरा ऑल टाइम रेडी रहता है, मेरे से कोई नाराज़ होता रहो चाहे कुछ भी हो कोई मेरे से, ठीक है, जो मेरा काम है। मैं तेरा काम भी कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ ये बता। यहाँ ब्लॉग शूट खुद का हो रहा है, काम मेरा हो रहा है। वाह भाई वाह भाई, एक पंथ दो काज अगर हो जाए तो कोई बुराई है। स्कूटी नहीं लेके आई, पैदल का शूट के लाई रोज। भाई चलना भी तो सेहत के लिए फायदेमंद रहता है, ये बताओ। और रोज मतलब हर टाइम तो स्कूटी पे, मतलब ये होते हैं ऐसे, ऐसे होते हैं लोग, मतलब इसके काम की वजह से पैदल चल रही हूँ मैं, और थोड़ा सा मेरा कैमरा उठ गया है तो बंदी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। आई समझ में, मैं अपना काम सारा छोड़े पड़ी हूँ इसके लिए, ठीक है ना, सब छोड़े पड़ी हूँ मैं इसके चक्कर। चलते चलते है ना, बुद्धि प्यार दूर। जो बच्चा हमारे साथ जा रहा है हमें घर बताने के लिए, वो जा रहा है साइकिल से हमारे साथ आगे आगे, और हम दोनों लोग हैं पैदल। और जैसे मेरी आवाज़ सुनते हर टाइम तो स्कूटी लेके आती हूँ और पैदल। अरे ये नहीं मालूम था ना कि इतनी दूर जाना है। इस नए एरिया में आए हैं हम पहली बार, ठीक है, जैसा कि सेक्टर 10 की सैर कर रहे हैं आज हम लोग। यहाँ कुत्ता काट ले इसको, कुछ भी, कुछ तेरी वैरायटी, चलो कुछ भी तेरी वैरायटी यार। देखो तुझे मजाक, तुझे बुला रहा है, पता है मैं आज थक गई, मम्मी तो तुझे बुला रहा है वो। आज जीजा जी मुझसे कह रहा है पहले से पानी पिला पानी। मैं तीजे जो मोबाइल ले रही हूँ, कह रहे पानी पिलाओ पहले से। कभी कभी हमको डर ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि जैसे हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, सुनो नहीं नहीं, जैसे हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं और क्या होगा, मैंने किसी ने हमारा कैमरा छीना और लेके भाग गए। सुनो तो मैं, पता है आके मैंने बैग भी नहीं उतारा, और देखो वो बच्चा बैग बेचारा आज कभी वो भी बंद कर लिया, थक गया वो, थका नहीं वो बेचारा, रुक 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 के चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, ये वाला है। अच्छा चलो भाई, और तुम दूध देने कहाँ जाते हो? मैं चलो, थैंक यू बेटा, आप दूध दे के घर चले जाना, हम घर चले जाएंगे, थैंक यू। तो हम लोग आ चुके हैं इस बुटीक पे, ठीक है, जरा इनसे भी बात कर ले। मेरा मन का नहीं चलाना तो नहीं। बेटा इसमें तो कोई बात हो नहीं सकती ना, बात कर लेते हैं। आप ही सिलाई करते हैं यहाँ पे? ब्लाउज बनवाना था, परसों इसकी पार्टी है, ठीक है, और आप बताया गया है, बेचारी रो रही है, तो इसको थोड़ा सा फर्स्ट टाइम, अगर इसको पसंद आ गया सारी चीज़ें फिर तो हमारा सूट वगैरह सब चीज़ यहीं रहेगा, और बड़ी उम्मीद से आई है आपके पास। आंसू निकाल, आंसू निकाल, भाभी तब मानेंगी तब सिल के देंगी ना, ऐसा कुछ ना बहन, आंसू पास निकालने की जरूरत ना है। तो कैसे बनवाओगे बता भाई, ये बड़ी स्टाइलिश, क्यों बंद करूं, तुम कुछ स्पेशल थोड़ी बोलने वाली हो, ये कैमरे से सन डीप कलर चाहिए, तुम्हारी माँ बताएगी ना, फिर इसकी माँ देखिए, यार ऐसे मत करो, बंद कर दो, देखो नहीं कैमरा बंद नहीं होगा। ये जो मैंने लेस है ये लगानी है, नहीं धोना क्यों पड़ेगा, मैं ये तो नया लखड़ूंगी, ये तो नया है, धोना पड़ेगा, आप ऐसी पहन लीजिए, नीचे मत लगाना, नीचे नहीं लगाओ, नहीं इसके लिए तो बेड लगाओ। अरे कोई ना बहन, गंदा नहीं होगा, सब ऐसे पहनते हैं, ठीक, आप मतलब शाम को आ जाना 7 बजे, फिर आप ट्राई करके जो भी कमी होगी मैं आपको आप कर दूंगी, शाम को ले लूँगी, सही। हंस के दिखा, गले पे जो है ना, गला तो थोड़ी वो कटिंग करके सिंपल ही रह जाएगा, सिंपल ही जाएगा, तो अंदर की साइड है ना, पीछे वाले पे ये लेस लगा दूंगी आपकी, पीछे गला बनाऊंगी, वो डीप गला बनेगा तो उसके काफ़ी सारे लगाना। भाई कितनी टेंशन है तुझे, कितनी टेंशन है तू, जैसा चाहिए मैं वैसा ना बताऊं, मैं सबकी बना दूंगी, जितना बचेगा ना सबकी बना दूंगी। ये आज इसकी माँ ये रिकॉर्ड देखने वाली है कि लड़की, बताओ क्या दिमाग ना खराब, मैं हटा दूँ, दिखाने का नहीं, दिखाने का नहीं, ये तो मैं सीधे तुम्हारी माँ के पास भेजने वाली हूँ। और तो ये भाभी इस पे लिख लो इसका नाम, अनु करके लिख लो, ठीक है, और इसमें वो अस्तर वगैरह तो पड़ा ही है, सारा सामान इसमें ही है, ठीक है, बस आपको एक लास्ट चीज तो लेनी है। चलिए नंबर ले लिया तूने, चलिए मैडम की खुशी का ठिकाना नहीं, और थैंक यू सो मच भाभी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है आप एक बार सेंड कर दीजिए जो भी है। चेहरे की हंसी मैडम की,
बन गई है, ब्लाउज सिल गया और कहा है यार अभी सिला नहीं है, अभी दे के आए हम लोग, दे के आए हैं, है ना। और देखो छोटे से बच्चे ने जो हमारी मदद की थी ना, उससे हमारा काम बन गया और अच्छा टेलर हमको मिल गया है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी थी और सिलाई भी अच्छी करती हैं, क्योंकि हमने उनके बाकी जो चीज़ें थी वो भी हमने वहाँ पे ट्राई की कि वो कैसी सिलाई करती हैं, और बहुत ही अच्छी थी, आदत में भी बहुत अच्छी थी, है ना। और रीज़नेबल रेट थे, रीज़नेबल रेट मतलब मन खुश हो गया मिलने के बाद, है ना। तो बाकी सबसे बड़ी बात थी इनकी खुशी की, ये बहुत खुश हैं, तीन को मिल जाएगा ना। अब देखो जो इंसान टेंशन देता है ना, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब मतलब अब इसको ये टेंशन है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना।